उदयपुर में चल रहा है आमिर की लाडली आयरा की शादी का जलसा, लेकिन आमिर की खुशियों में शामिल नहीं दिख रही रूमर्ड गर्लफ्रेंड फातिमा। कोर्ट मैरिज के बाद अब आयरा की उदयपुर वेडिंग से भी गायब हैं फातिमा, तो सोशल मीडिया पर छिड़ी आमिर और फातिमा के ब्रेकअप की चर्चा। क्या आमिर ने अपनी करीबी फातिमा को नहीं भेजा बेटी की शादी का न्योता? जी हाँ, जहाँ एक तरफ उदयपुर के लेक पैलेस होटल में आमिर खान की लाडली बेटी आयरा खान और नुपुर शिखरे की शाही शादी का जश्न चल रहा है, वहीं आयरा की रॉयल वेडिंग की खबरों के बीच दंगल गर्ल फातिमा सना शेख भी चर्चा में छाई है। और वजह है आयरा की वेडिंग से फातिमा का पूरी तरह से गायब होना। ना तो फातिमा आयरा नुपुर की रजिस्टर्ड मैरिज और आफ्टर वेडिंग पार्टी का हिस्सा बनी और ना ही अब वो उदयपुर पहुंची हैं। तो ऐसे में नेटिजन्स फातिमा की इस गुमशुदगी पर सवाल खड़े कर रहे हैं और अपने अपने अंदाजे भी लगा रहे हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि दंगल में आमिर की बेटी का रोल प्ले करने वाली फातिमा अपने ऑन स्क्रीन पापा के काफी करीबी मानी जाती हैं। आमिर और फातिमा की ये नजदीकियां तो गॉसिप्स के गलियारों में आग भी लगा चुकी है। जहां कुछ लोग फातिमा को आमिर की रूमर्ड गर्लफ्रेंड के तौर पर देखते हैं, तो वहीं कुछ लोग आमिर और किरण के तलाक का जिम्मेदार फातिमा को ही ठहराते हैं। वहीं तमाम विवादों के बीच भी आमिर और उनके परिवार से फातिमा की करीबियां किसी से छिपी नहीं है। आमिर का जन्मदिन हो या फिर आयरा का बर्थडे बैश या नुपुर संग आयरा की सगाई, आमिर खान के परिवार के हर फंक्शन में फातिमा खास मेहमान बनकर पहुंची थी। आमिर की हर छोटी बड़ी खुशी में शामिल होने वाली फातिमा अब जब उनकी जिंदगी के सबसे खास मौके के हर फंक्शन से दूर है, तो ऐसे में लोग हैरान भी हैं और परेशान भी हैं। जिसके बाद से ही सोशल मीडिया पर नेटिजन्स लगातार आयरा की शादी की फंक्शन से फातिमा की गुमशुदगी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं और तरह तरह के रिएक्शंस भी दे रहे हैं। एक शख्स ने आयरा की शादी के जश्न से फातिमा के गायब होने पर सवाल पूछा है, आमिर ने फातिमा को नहीं बुलाया क्या? तो एक ने कमेंट किया है, लगता है रीना किरण के बाद इसे भी छोड़ दिया। एक और यूजर ने सवाल पूछा है, मैडम शुगर डैडी से ब्रेकअप हो गया क्या? कोई कह रहा है कि आमिर फातिमा को बुलाना भूल गए, तो किसी का कहना है कि शायद आमिर और फातिमा के बीच अनबन चल रही है। बहरहाल आपको बता दें कि फातिमा फिलहाल मध्य प्रदेश के ओरछा में अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट की शूटिंग में बिजी हैं और शायद यही वजह है कि फातिमा ने आयरा की शादी के जश्न से दूरी बनाई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।